दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइज़र। आज अपनी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमको अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है तो ऐसा हम क्या करें, कौन सी टिप्स अपनाएं, कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि हम अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या अपने कस्टमर सर्किल को इनक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है सर्वे फॉर्म का। उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा। सर्वे फॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप किसी को जानते हो, किसी को न जानते हो, आप LIC की बातों को शुरू कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति से। अब आते हैं इसका बेनिफिट, आप किस अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे सपोज दैट आप जहां पर रहते हैं उस एरिया से करीबन 50 या 60 किलोमीटर दूरी पर एक नई क्षेत्र आप बनाना चाहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं जो आपसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप किसी नई एरिया में वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि आपको वहाँ पर 2 महीने रेगुलर वर्क करना होगा, वह भी बिना किसी बेनिफिट के। क्या करना होगा, जैसे सपोज दैट हम नए क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसकी पहचान उस एरिया में हो, उस व्यक्ति से मिलते हैं और हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि मैं LIC का भी करता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करता हूँ और सप्ताह में एक दिन आपके इस क्षेत्र में आऊँगा, मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मैं 2 घंटे रह सकूँ। इसका बेनिफिट आपके लोगों को यह होगा कि जिसकी भी LIC में किसी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब जब आप इस तरह के प्रस्ताव किसी व्यक्ति के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग भी एक अच्छे कार्य को करने के लिए आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। आपको एक जगह मिल जाती है 2 घंटे व्यतीत करने के लिए। अब उस 2 घंटे में आपको करना यह है कि आपके एरिया के लोगों को, जो नई एरिया है उस एरिया के लोगों में यह मैसेज जाना है कि एक अभिकर्ता है जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार या सप्ताह के किसी भी दिन इस टाइम पर यहाँ पर आते हैं, 2 घंटे रहते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो इन 2 घंटों में अगर किसी की कोई समस्या LIC से संबंधित है और उनसे वह संपर्क कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। अब जब आप इस तरह से वर्क करना शुरू करेंगे तो जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। जब लोगों की समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आपकी यह ड्यूटी होती है कि उस समस्याओं का समाधान आप जल्दी से जल्दी करके उन लोगों तक पहुँचा दें। किसी का SB पेमेंट रुका हुआ है, आप उसके SB पेमेंट को करा दीजिए। किसी की मैच्योरिटी बाकी है, मैच्योरिटी का पेमेंट करा दें। किसी को पता परिवर्तित कराना है, उसका पता परिवर्तन कराएं। जब इस तरह से आप सर्विसिंग के काम को आप करेंगे किसी नए क्षेत्र में और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को यह लगता है कि यार यह बंदा तो एकदम अलग है, तो सोचिए आपका जो एक गुडविल है वो लोगों के बीच में पहुँचने लगेगा। अब यदि किसी का काम हुआ है, उसको बीमा कराना हो या उसके किसी परिचय को बीमा कराना हो, तो फिर वह किसका नाम लेगा? निश्चित रूप से आपका नाम लेगा। अब 2 घंटे आपने व्यतीत किया, उसके बाद आप खाली हो गए, तो मैं तो यह कहूँगा कि यह जो सर्वे फॉर्म है, इस सर्वे फॉर्म का डोर टू डोर आप वर्क कीजिए। जब डोर टू डोर वर्क करेंगे, आप ऑलरेडी 2 घंटे उस क्षेत्र में आप व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बहुत प्रभावी रूप से आप उस क्षेत्र में अपने नाम को दर्ज कर सकते हैं। और हमारे अभिकर्ता को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, नाम की ही तो आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। और चूंकि मार्च का महीना समाप्त हुआ है, अप्रैल मई की शुरुआत है, अप्रैल भी समाप्त हो गया, मई की शुरुआत हुई है, तो अभी आपके पास एक लॉन्ग टर्म है, एक लंबा समय है। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस तरह से वर्क करके एक नए क्षेत्र में नए तरीके से अपने वर्क को शुरू कर सकते हैं।
तो यदि मेरी यह सुझाव आपको पसंद आती है तो मैं तो कहूँगा कि इस सुझाव पर आप काम करें, और इसका जो रिज़ल्ट आता है या इस कार्य को करने में आपको जो अनुभव होता है उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारे अभिकर्ता विकास अधिकारी महोदय हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जो कि आपकी एजेंसी में है, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना एजेंसी कोड नंबर डालकर कमेंट कर दें। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए जोड़ लिया जाएगा और LIC से संबंधित तमाम जानकारियां जो कि आपको कार्य करने में सहायता प्रदान करें वो समय समय पर देती जाती रहेंगी। दोस्तों, आपने हमें अपना समय दिया है और मेरा यह प्रयास रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि एक ऐसी टिप्स आपको दूं जिससे आप अपने कार्य को और आसानी से और प्रभावी रूप से कर सकें। एक चीज़ कहूँगा कि सर्वे फॉर्म वाली जो वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही प्रभावी वीडियो है। जिन अभिकर्ताओं ने इस पर वर्क किया है और जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी फायदेमंद रही होगी, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।